ऑलराइट, तो ऑलरेडी लोगों का भरोसा उठ चुका है इंडियन कॉमेडी जॉनरा से। आई मीन तुम्हें कॉमेडी के नाम पे आइदर स्लैपस्टिक कॉमेडी मिलेगा या फिर टॉइंग साउंड इफेक्ट वाले मूवीज, व्हिच इज वियर्ड। कोई आदमी इतना खा सकता है क्या? एंड अगर तुम्हें अच्छी कॉमेडी कंटेंट चाहिए तो या तो तुम्हें उसके लिए यूट्यूब पे जाना होगा या तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जाना होगा। जो सीरीज लाइट लगाना है उसको ऐसे भुकभक 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 कराएं या ऐसे रेलगाड़ी की तरह तल 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 तल। एंड टिल डेट आज तक हमारे बुजुर्ग यही कहते रहते हैं कि जाने भी दो यारों के बाद कोई भी अच्छी कॉमेडी मूवी नहीं बनी है, विच आई डिसएग्री टू। That India does not have a culture of comedy films. I think the last really good comedy film we saw was Jaane Bhi Do Yaaro. After that, there has been no film that's been a genuine comedy film. So, मैं yours truly Yogi, obviously तुम्हारे लिए लाया पांच underrated Indian comedy movies, जिसको देखके तुम्हारा Indian comedy movie पे भरोसा उठ जाएगा, भरोसा आ जाएगा। एंड वेल ऑब्वियसली इन मूवीज को ज्यादा लोगों ने देखा नहीं है इसलिए ये मूवी अंडररेटेड है, या फिर तुमने इन मूवीज को देखा है क्योंकि तुम्हें आर्ट बहुत पसंद है, वेल आई एम प्राउड ऑफ यू देन। थैंक यू। तो ये वो पांच कॉमेडी मूवीज है जिनको अभी मैंने रिसेंटली देखा है, तो ऑब्वियसली ये लिस्ट मेरी पर्सनल लिस्ट है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर इसमें तुम्हारी पर्सनल फेवरेट कोई मूवी नहीं है तो प्लीज आके मेरा घर मत जला देना, क्योंकि मैं किराए पे रहता हूँ और मेरा डिपॉजिट मुझे वापस कभी मिलेगा नहीं। ओके फाइन बॉस। नंबर 5, एजेंट साई श्रीनिवास अथेरा। अथेरा अथेरा, अबे तू है कौन? FBI FBI। तो ये कहानी बेसिकली एजेंट साई की, जो एक वर्ल्ड क्लास डिटेक्टिव है अपने ही एरिया का। LIC एजेंट हो? एंड वेल ये बहुत सही तरीके से क्राइम सॉल्व करता है, अंटिल उसे एक ऐसा केस मिलता है सॉल्व करने के लिए जिससे उसकी सारी दुनिया पलट जाती है। एंड ये पूरी मूवी उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। एंड ये मूवी बेसिकली एक मिक्सचर है कॉमेडी और क्राइम थ्रिलर का। एंड इसका सेकंड हाफ ऑब्वियसली क्राइम थ्रिलर ज्यादा है, बट येट ये मूवी ज्यादा एंटरटेनिंग है। शेरलॉक होम्स एक कहानी का किरदार है, एजेंट साई श्रीनिवास अथेरा असली। एंड डायरेक्टर स्वरूप RSJ ने इस मूवी को बहुत सही वे में डायरेक्ट करके एग्जीक्यूट किया है। एंड उन्होंने इस मूवी को लिखा भी है अलॉन्ग विद नवीन पोलीशेट्टी, हाँ मतलब पैसे बचाने थे। एंड नवीन पोलीशेट्टी ने इस मूवी में लीडिंग रोल भी किया है एजेंट साई का। एंड अपेरेंटली उनका ये फर्स्ट मूवी था जिसमें उन्होंने लीडिंग रोल भी प्ले किया है। एंड गेस व्हाट, इसके लिए उनको अवार्ड तक मिला था। भाई पार्टी, पागल हो गया क्या? एंड अगर तुम्हें नहीं पता नवीन पोलीशेट्टी कौन है तो इनको तुमने AIB जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए देखा होगा, जो बंद भी हो गया। एंड साथ साथ तुमने इनको छिछोरे में भी देखा होगा। एंड ये मूवी काफी फनी भी है, ऑब्वियसली इसका सेकंड हाफ थ्रिलर है, बट ये मूवी काफी ज्यादा ही बढ़िया है। एंड मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि तुम इस मूवी को जाके जरूर देखना। ये मूवी अवेलेबल है Amazon Prime Video पे, पर मुझे पता है कि तुम सारे के सारे मेरे से ID पासवर्ड मांगने लगोगे कमेंट्स में, इसलिए ये मूवी फ्री में भी अवेलेबल है YouTube पे, तो इस मूवी को जाके जरूर देखना। नवीन पोलीशेट्टी की कॉमिक टाइमिंग और फिजिकल कॉमेडी तुम्हें लेजेंड चार्ली चैपलिन की याद दिलाएगी, जो अपने जमाने के सबसे बेस्ट कॉमिक एक्टर रह चुके हैं। एंड आज तक सारे कॉमिक एक्टर्स उनसे रेफरेंस लेके कॉमेडी सीखते हैं। एंड अभी रिसेंटली मैंने एक बुक द लाइफ ट्रेजेडी ऑफ चार्ली चैपलिन की ऑडियो बुक सुनी थी Kuku FM पे। तो ये बुक बेसिकली कहानी है लाइफ ऑफ चार्ली चैपलिन के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में, कि कैसे वो एक दूसरे देश से एक दूसरे देश में आए, एंड डिस्पाइट बीइंग एन इमिग्रेंट एंड उनके लाइफ में जो भी पर्सनल इश्यूज थे वो पूरी दुनिया को हंसाते रहे मरते दम तक, विच इज Actually quite inspiring. And तुम भी ये audiobook जाके सुन सकते हो Kuku FM पे। Kuku FM इंडिया का leading audiobook platform है, जहाँ पे 1000 घंटों से भी ज्यादा का content है, जहाँ 4.5 rating वाले 3000 से भी ज्यादा fictional books तुम्हें वहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। And even अपने regional language में भी तुम आसानी से audiobooks वहाँ पे सुन सकते हो। And ये audiobooks तुम कहीं पे भी सुन सकते हो, एक्सेप्ट अपने ऑनलाइन क्लासेस, प्लीज वहां पे मत सुनना, पंगा हो जाएगा। एंड अगर तुम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर Kuku FM डाउनलोड करोगे एंड मेरा कूपन कोड YBP50 यूज करोगे तो तुम्हें मिलेगा 50% डिस्काउंट Kuku FM के ईयरली सब्सक्रिप्शन पे। जी हाँ, 399 का सब्सक्रिप्शन तुम्हें मिल जाएगा फॉर ओनली 199 अ ईयर, जो एक मूवी टिकट से भी सस्ता है एंड इवन OTT के सब्सक्रिप्शन से भी बहुत ज्यादा ही सस्ता है। पर ये ऑफर सिर्फ पहले के 250 लोगों के लिए ही है जो मेरा कूपन कोड YBP50 यूज करेंगे। तो देरी किस बात की यार, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके अभी डाउनलोड करो Kuku FM। नंबर 4, लूडो। डायरेक्टर अनुराग बासु ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड साथ साथ इस मूवी को लिखा भी है, क्योंकि वेल पैसे जो बचाने हैं। तो जब अनुराग बासु इस मूवी को बना रहे थे तो उन्होंने कहा कि जितनी भी टैलेंट अवेलेबल है इस इंडस्ट्री में उसको उठा के ले आओ। तो फिर उन्होंने सारे टैलेंट को एक जगह जमा किया, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, सानिया मल्होत्रा, आदित्य रॉय कपूर, फातिमा सना शेख एंड अभिषेक बच्चन, पंजाबी, गुजराती, चाइनीज, इटालियन, बंगाली, थाई, मुगलाई, मेक्सिकन।
एंड उन्होंने इस मूवी में चार कहानियां रखी है जो अलग चल रही है, बट सारे के सारे कोलाइड करते हैं एक साथ एंड सारे के सारे रिलेटेड है एक दूसरे से। कम पैसों में क्वेश्चन डिफिकल्ट है पर ज्यादा में इम्पॉसिबल। एंड उन्होंने इस मूवी को बहुत सही वे में डायरेक्ट किया है एंड इस मूवी का कॉमिक टाइमिंग कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। एंड ट्रेडिशनल वे से काफी कुछ ज्यादा ही अलग है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम इस मूवी को जाके जरूर देखना। ये मूवी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे एंड वेल पासवर्ड आईडी तो तुम कमेंट में मांगोगे ही, तो क्या ही कर सकते हैं। कौन है? नंबर 3 लूट केस। क्या मतलब ये मूवी कब आई और तुमने नोटिस नहीं किया? मैं जानता हूँ घर पे पैसों का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन उसके लिए प्लीज मेरा वाटर पार्क कैंसिल मत करना। डायरेक्टेड बाय राजेश कृष्णा जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड वेल पैसे बचाने के लिए इसको लिखा भी है अलोंग विद कपिल सावंत। हम लोग का ना खाली ड्यूटी बदलता है, किस्मत कभी नहीं बदलता। एंड इस मूवी में काफी ज्यादा ही फनी स्टार कास्ट है, कुणाल खेमू, रणवीर शोरी, गजराज राव, राशिका दुग्गल जिनको पंकज त्रिपाठी ने गरम करके ठंडा ही छोड़ दिया। वेट व्हाट, ये ऐसा वाला मशीन किधर मिलता है? क्यों घर पे दो गोनी भर के पैसा पड़ा है, गिनने नहीं हो रहा। तो लूटकेस कहानी एक सूटकेस की जिसमें बहुत ज्यादा ही पैसे हैं, पर ये पैसा हराम का पैसा है एंड ये सूटकेस जहाँ हाथ लगता है कुणाल खेमू के। कितना ढूंढा मेरे तेरे को पूरा जिंदगी। एंड वेल जब हराम का पैसा आता है तो साथ में बहुत सारी मुसीबत भी आती है एंड ये पूरी कहानी उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है एंड उसी ड्यूरेशन में जो भी इस मूवी में इवेंट होता है वो काफी फनी है एंड काफी ज्यादा ही एंटरटेनिंग है। 100% श्योर साहब। एंड द बेस्ट पार्ट, इस मूवी के डायरेक्टर राजेश कृष्ण ने टीवीएफ ट्रिपलिंग भी डायरेक्ट किया है। हाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि वेल टीवीएफ के पास ज्यादा बजट था आई गेस। नहीं आप कोई बाजा नहीं बजा सकते ना, आप तो वो रिमिक्स वाले निकले ना। लूटकेस अवेलेबल है हॉटस्टार पे एंड वेल कमेंट्स में तुम्हें पता है क्या करना है, मुझसे क्या मांगना है। नंबर 2 बहुत वह सम्मान लूटना। क्या ये बैंड लूटना है? दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट एंड इट हैज बीन डायरेक्टेड बाई आशीष आर शुक्ला एंड लिखा भी इन्होंने नहीं है ऑब्वियसली क्योंकि मूवी के पास बजट था। तो इस मूवी को लिखा है अविनाश सिंह ने एंड विजय नारायण वर्मा ने। अब आप सब पहले ही प्लान कर लिए हैं? अबे प्लान तुम्हारे पास सरकार गिराने का भी है। बहुत वह सम्मान कहानी है दो स्टूडेंट्स की जो ऑब्वियसली फेलियर्स है एंड उनको लाइफ में सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस के लिए वो एक शॉर्टकट लेते हैं विद द हेल्प ऑफ बकचोद बाबा जी। नहीं गाली नहीं दे रहा हूँ, एक्चुअली इनके कैरेक्टर का यही नाम है। परवल पैसे कमाने के कांड के चक्कर में ये लोग और दूसरे कांड रिवील कर बैठते हैं एंड ये पूरी कहानी उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। पाबलो यादव, सही नाम नहीं बोले, मम्मी पापा क्या नाम रखे हैं आपका? प्रदीप यादव। मूवी के स्टार कास्ट ने बहुत ज्यादा ही अच्छा काम किया है, निधि सिंह, संजय मिश्रा जी, अभिषेक चौहान, राम कपूर एंड सरप्राइजिंगली इस मूवी की सबसे बड़ी जान है राघव जुयाल जो एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि काफी ज्यादा ही अच्छे एक्टर है एंड इस मूवी में उनकी एक्टिंग, उनकी कॉमिक टाइमिंग कुछ ज्यादा ही बढ़िया है एंड तुम्हें एक्चुअली उनका परफॉर्मेंस ज्यादा ही पसंद आएगा। एक्सेल, लिवर, पुली, वेज, स्क्रू एंड इंक्लाइन एंड आई रियली होप कि उनको ऐसे और रोल्स मिलते रहे। अरमन नक्सल तो नहीं। इस मूवी का साउंड, इस मूवी का डायरेक्शन, इस मूवी की कॉमिक टाइमिंग, इस मूवी के डायलॉग्स कुछ ज्यादा ही बढ़िया है एंड इस मूवी ने जिस हिसाब से करप्ट इंडिया को सटल वे में डिस किया है वो कुछ ज्यादा ही इम्प्रेसिव है। होनहार ग्रेजुएट युवा को एक डिसेंट जॉब नहीं है बोली एंड ये मूवी तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आएगी क्योंकि ये ट्रेडिशनल कॉमेडी मूवीज से काफी ज्यादा ही अलग है एंड आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि इस मूवी को अब तक एक कल्ट फॉलोइंग नहीं मिली जो कि ये मूवी एक्चुअली डिजर्व करता है। एंड तुम इस लिस्ट के बाकी मूवीज देखो या ना देखो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि तुम इस मूवी को जाके जरूर देखना। ये मूवी अवेलेबल है हॉटस्टार पे एंड वेल पासवर्ड दे दो। क्रोनोलॉजी समझिए। ऑनरेबल मेंशंस माय लाइफ। जस्ट किडिंग। तो नंबर 1 ड्रम रोल्स प्लीज। जादी रतलानू। मैंने जब ये पोस्ट डाला था अपने चैनल पे तो मैं काफी सरप्राइज था कि काफी लोगों ने इस मूवी के बारे में कमेंट्स में बोला था एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि इस मूवी को काफी लोगों ने देखा है। चंपा चंपा क्योंकि इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी मूवी आई हैव एवर सीन। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आई एम स्टिल अनक्रिमिनल टिल प्रूफ। कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टर अनुदीप केवी ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड वेल पैसे बचाने के लिए ऑब्वियसली इस मूवी को लिखा भी है एंड स्टार कास्ट में है वंस अगेन द वन एंड ओनली नवीन पोलिशेट्टी अलोंग विद प्रियदर्शनी, राहुल रामकृष्णा एंड मेनी मोर। दिमाग खराब होता है, व्हाट इज दिस सिटी, व्हाई आर यू टॉकिंग टू दिस ब्लडी क्रिमिनल। कहानी है बेसिकली तीन लॉन्डो की जिनको ऑब्वियसली सक्सेस चाहिए एंड सक्सेस के लिए वो अपने छोटे शहर को छोड़कर बड़े शहर में जाते हैं बट वेल वहाँ पे सक्सेस इजिली तो मिलने से रहा, तो वहाँ पे वो सक्सेस पाने के लिए कुछ ज्यादा ही अजीब चीजें कर बैठते हैं जिसके चक्कर में फंस जाते हैं एंड उसी ड्यूरेशन में काफी चीजें रिवील होती
होती है, तो ये पूरी मूवी उसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करती है। इस मूवी के डायलॉग्स हर एक कास्ट क्रू ने काफी ज्यादा ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। एंड मार्क माय वर्ड्स, नवीन पोली शेट्टी एक अपकमिंग स्टार है एंड बहुत जल्दी वो अपना मार्क इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे छोड़ेंगे। लेडीज एंपावरमेंट। एंड मैं ऑलरेडी इनका फैन था सिंस AIB जो बंद हो गया। एंड वेल एजेंट साई, जाति रतलानू एंड छिछोरे में इनका रोल देखने के बाद मैं कुछ ज्यादा ही इनका बड़ा फैन बन गया आई गेस। एंड वेल तुम्हें ये मूवी देखना ही होगा क्योंकि ये मूवी मेरे लिस्ट में नंबर 1 पे है। फ्रेंच वाइन विद इंग्लिश सबटाइटल। जाति रतलानू अवेलेबल है Amazon Prime Video पे, तो वेल तुम अपने दोस्तों को परेशान कर सकते हो ID पासवर्ड के लिए या फिर कमेंट्स में मुझे परेशान कर सकते हो ID पासवर्ड के लिए, बिकॉज़ व्हाई नॉट। कामाक्षी रत्नावाला का नाम ही पेर। तो ये थे मेरे टॉप 5 इंडियन अंडररेटेड कॉमेडी मूवीज। एंड वेल ये सारे मूवीज पिछले कुछ सालों में आए हैं एंड ये ऑब्वियसली अंडररेटेड है, इसलिए इस लिस्ट में हेरा फेरी नहीं है, तो प्लीज मेरा जीना हराम मत कर देना। तो क्या तुम मेरे इस लिस्ट से अग्री करते हो एंड इस लिस्ट में से कौन सी मूवी तुम देखने का प्लान कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड तुम्हारे हिसाब से सबसे अंडररेटेड कॉमेडी इंडियन मूवी कौन सी है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उन्हें देखना जरूर पसंद करूंगा। एंड ऑब्वियसली इस सीरीज का पार्ट 2 मैं जरूर बनाऊंगा। एंड वेल डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से कुकू FM डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर तुम मेरा कूपन कोड YBB50 यूज करोगे तो तुम्हें मिलेगा 50% डिस्काउंट। दैट मींस 399 का जो सब्सक्रिप्शन है तुम्हें मिल जाएगा फॉर 199 अ ईयर। बट ये ऑफर सिर्फ पहले के 250 लोग के लिए ही है जो मेरा कूपन कोड YBB50 यूज करेंगे, तो देरी किस बात की, डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना कुकू FM। एंड वेल अगर तुम चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तुम साथ साथ हमें हमारे सोशल्स पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरे पर्सनल एंड हमारे ऑफिशियल पे भी। एंड वेल स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, ऐसे वीडियोस और आते रहेंगे। तुम सब क्रिमिनल्स, बढ़िया मूवी करते फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। क्रिमिनल्स, बढ़िया मूवी करते फ्लॉप फ्लॉप। फालतू उसकी मूवी चले कितना कितना बढ़िया मूवीज को पिटना पिटना नहीं मिलता प्यार उतना उतना ये है इंडिया। फालतू की मूवी चले कितना कितना बढ़िया मूवीज को पिटना पिटना।